फ्रेंड्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आरएल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा बेयर बिलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बताऊंगा। तो देखो, बेयर बिलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पर एसिड के साथ में करवाते हैं तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो आप लोगों का पर एसिड होता है, इसके फॉर्मूले के अंदर तीन ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ जाता है, तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और कीटोन एस्टर बनाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, बेयर बिलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पर एसिड के साथ में करवाते हैं, तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। पर एसिड के फॉर्मूले के अंदर तीन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ जाता है, तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीका से कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग रिएक्शन से समझते हैं। तो देखो, इसकी रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मैं एल्डिहाइड के सदस्य को ले लेता हूं, एसिटाइल्डिहाइड को। ये मैंने किसको ले लिया, एसिटाइल्डिहाइड को ले लिया। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ में करवा रहा हूं, पर बेंजोइक एसिड के साथ में। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका, पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका, पर बेंजोइक एसिड का। मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम तो कौन है, एसिटाइल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नाम तो कौन है, एसिटाइल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नाम है एथिनेन, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम कौन है, एथिनेन। और इसका नाम है पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम है पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम है पर बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर तीन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर जब हम एसिटाइल्डिहाइड की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड के साथ में करवाते हैं, तो पर बेंजोइक एसिड का एक ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ जाता है, एसिटाइल्डिहाइड से जुड़ जाता है। अब इनमें से कौन सा ऑक्सीजन एटम जुड़ता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ये ऑक्सीजन एटम जो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ जाता है, आप लोगों के एसिटाइल्डिहाइड से। तो ये एसिटाइल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। भाई, एसिटाइल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH होता है। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर देता हूं तो ये फॉर्मूला CH3COOH का हो जाता है, जो कि कौन होता है, आप लोगों का एसिटिक एसिड। तो देखो, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, एक प्रोडक्ट तो आप लोगों को किसका मिला है, एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। और एक प्रोडक्ट आप लोगों का किसका मिला, बेंजोइक एसिड का। नाम लिख देता हूं, इसका नाम एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। इसका नाम एसिटिक एसिड है। इसका आईयूपीएसी नाम है एथिनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम है एथिनोइक एसिड, और ये आप लोगों का बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, यहां पर इस अभिक्रिया में मैंने क्या करवाया, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, पर बेंजोइक एसिड के साथ में करवा दी। तो जैसे मैं एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड के साथ में करवाऊंगा, तो पर बेंजोइक एसिड का ये ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ जाएगा, एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। तो ये एसिड एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों का बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब जो एसिड एल्डिहाइड है या जो आप लोगों के एल्डिहाइड है, इनकी रिएक्शन हम पर एसिड से करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, वो प्रोडक्ट हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का मिलता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्रियात्मक समूह आप लोगों का कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अंदर भी आप लोगों का क्रियात्मक समूह कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ठीक है, ये रिएक्शन तो आप लोगों की एल्डिहाइड की हो गई। अब मैं एक रिएक्शन आप लोगों के लिए कीटोन की करके बता देता हूं। तो देखो, यहां पर कीटोन के सदस्य के रूप में मैं किसको ले रहा हूं, एसीटोन को ले रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, एसीटोन को ले लिया, और इसकी रिएक्शन वही पर बेंजोइक एसिड के साथ में करवा रहा हूं। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, पर बेंजोइक एसिड के साथ में करवा रहा हूं। तो देखो, प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिलता है। देखो, पहले तो इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है एसीटोन। इसका आईयूपीएसी नाम है 2-propanol, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम कौन है, 2-propanol है। ये आप लोगों का पर बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। ये कौन है, आप लोगों का पर बेंजोइक एसिड है। तो देखो, यहां से आप लोगों का ये ऑक्सीजन एटम, यहां से ये ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ जाएगा, एसीटोन के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। तो ये एसीटोन का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, ये हो गया CH3।
ओ, और यहां पर क्या हो जाएगा OCl3 और ये जो परबेंजोइक एसिड है ये आप लोगों का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। मैं इनके नाम लिख देता हूं, देखो इसका नाम है आप लोगों का मेथिल एसिटेट, ठीक है ना, इसका नाम कौन है मेथिल एसिटेट। मेथिल एसिटेट इसका कॉमन नेम है, अगर मैं इसका IUPC नाम लिखूं तो इसका IUPC नाम बनेगा मेथिल एथिनोएट, ठीक है ना, इसका IUPC नाम बनेगा मेथिल एथिनोएट और इसका नाम तो बेंजोइक एसिड ही है, ठीक है ना, इसका नाम कौन है बेंजोइक एसिड। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए कीटोन वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। कीटोन के सदस्य के रूप में मैंने किसको लिया है, एसीटोन को लिया है। एसीटोन की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, परबेंजोइक एसिड के साथ मैं करवा रहा हूं, तो परबेंजोइक एसिड का ये ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ जाएगा, एसीटोन के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, तो ये एसीटोन का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर के फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिला है, ये प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है, एस्टर का प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है मेथिल एसिटेट और इसका जो IUPC नाम है वो है मेथिल एथिनोइट। बात आप लोग समझ में आ गई ना, और ये परबेंजोइक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। अरे कॉमन सी बात है, यहां से अगर एक ऑक्सीजन एटम को आप लोग बाहर निकाल दो तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H5CWH जो कि किसका फॉर्मूला होता है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो ये दोनों रिएक्शन मैंने आप लोगों को सामने शो कर दी, एक रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए LDR की शो कर दी और एक रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए कीटोन की शो कर दी। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म को बता देता हूं, इस अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि को बता देता हूं कि किस तरीका से हम लोगों के लिए प्रोडक्ट रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और एस्टर मिलता है, इसको समझेंगे हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म से, मतलब क्रिया विधि से। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो इसमें पूरे को मिटा देता हूं और मैकेनिज्म को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं अभिक्रिया की, ठीक है ना। तो देख लो, तो देखो अब मैं इस अभिक्रिया की आप लोगों के लिए क्रिया विधि को एक्सप्लेन कर देता हूं, मतलब इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना क्योंकि ये जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है ये रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसकी मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है इसको ज्यादातर कीटोन शो करते हैं, इसलिए मैं कीटोन वाली अभिक्रिया को बेस मानते हुए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर मैं एसीटोन की रिएक्शन किससे करवा देता हूं, परबेंजोइक एसिड के साथ करवा देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, एसीटोन को लिख देता हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है किसका है, एसीटोन का। इस एसीटोन की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, परबेंजोइक एसिड के साथ करवा रहा हूं। ये फॉर्मूला किसका, परबेंजोइक एसिड का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका, परबेंजोइक एसिड का। यहां पर ऑक्सीजन एटम के पास में मैं दो लोन पेयर शो कर देता हूं, यहां पर ऑक्सीजन एटम पर मैंने दो लोन पेयर शो कर दिए क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम अपनी दो बैलेंसी कंप्लीट करने के बाद उसके पास में दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर मैंने एसीटोन की रिएक्शन किससे करवा दी, परबेंजोइक एसिड के साथ करवा दी। तो जैसे ही मैंने एसीटोन की रिएक्शन परबेंजोइक एसिड के साथ करवाई तो ये जो आप लोगों का परबेंजोइक एसिड है इसका ये हाइड्रोजन एटम यहां से निकलकर एसीटोन मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है। ये जो परबेंजोइक एसिड होता है इसका ये हाइड्रोजन एटम यहां से निकलकर एसीटोन मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन एटम किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये मॉलिक्यूल्स किसका है, एसीटोन का मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल्स किसका, परबेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल्स है। यहां से ये जो परबेंजोइक एसिड है इसके मॉलिक्यूल से यहां से हाइड्रोजन एटम निकलकर एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन एटम तो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से, और ये ऑक्सीजन एटम किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, बोर्ड की तरफ देखिए, मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप होगा वो आप लोगों का ही होगा। यहां पर लिख दी मेरा CH3, यहां पर ये हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ चुका है, ऑक्सीजन एटम के साथ, तो ये कौन हो चुका है आप लोगों का, OH। अब देखो ये CH3 मैंने कहां पर शो कर दिया, यहां पर शो कर दिया, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन एटम किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा। तो मैंने इस ऑक्सीजन एटम को किसके साथ में जोड़ दिया, कार्बन एटम के साथ में जोड़ दिया, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन एटम को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, कार्बन एटम के साथ जोड़ दिया और यहां पर लिख दिया मैंने C6H5। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से,
कि मैकेनिज्म का जो हम लोगों को ये स्टेप मिला है, इस स्टेप में मैं एच प्लस को ऐड कर देता हूं, मतलब इसमें मैं अम्ल को डाल देता हूं। जैसे ही मैं इसमें अम्ल को डालूंगा, मतलब एच प्लस को डालूंगा, तो ये एच प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, दो। ऑक्सीजन दो बैलेंसी कंप्लीट करने के बाद उसके पास में दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। देखो यहां पर तीनों ऑक्सीजन एटम को देख लो, इस ऑक्सीजन एटम को देख लो, इस ऑक्सीजन एटम को देख लो, और इस ऑक्सीजन एटम को देख लो, इन सबकी बैलेंसी कितनी है, दो दो बैलेंसी है, और इनके पास में दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये H+ इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। जैसे ही H+ ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा, वो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, यहां से मैं H+ को ऐड कर रहा हूं, ये H+ किससे जुड़ जाएगा, आप लोगों के ऑक्सीजन एटम से। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप ये बनेगा, CH3 यहां पर लिख दिया मैंने, CH3 यहां पर OH को मैंने खोल के लिख दिया, यहां पर मैंने ऑक्सीजन को लिख दिया, यहां पर ऑक्सीजन को लिख दिया। अब देखो यहां पर आप लोगों के इस ऑक्सीजन एटम से कौन जुड़ जाएगा, आप लोगों का इस ऑक्सीजन एटम से आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, और यहां पर लिख देता हूं मैं C6H5 को। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से समझना, मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल गया। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जिन एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो कभी भी अपने पास में प्लस चार्ज पसंद नहीं करते, वो हमेशा अपने पास में कौन सा चार्ज पसंद करते हैं, माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉमन सी बात है ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ लेगा, और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़कर अपने पॉजिटिव को खत्म कर लेगा। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से समझना, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, तीन बैलेंसी हो जाएगी। कार्बन की वापस से चार बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं ऑक्सीजन के लोन पेयर को शो कर देता हूं, देखो ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। तो देखो एक बार फिर से बता देता हूं, ये H+ आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, तीन बैलेंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कभी भी अपने पास में प्लस चार्ज पसंद नहीं करते। तो यहां से ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा, तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा यहां से, और अपने पॉजिटिव को तो वो खत्म कर लेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि कार्बन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, तीन। कार्बन की वापस से चार बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इन दोनों ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, वैसे ही आप लोगों को पता है इस ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी रह जाएगी, एक। तो ये CH3 है ना आप लोगों का, ये CH3 किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा, वो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा। यहां से तो आप लोगों का देखो, ये तो आप लोगों का बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल चुका है, यहां पर शो कर देता हूं। ये तो आप लोगों का बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। और ये CH3 किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन एटम के साथ में। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप होगा, वो ये होगा, यहां पर लिख देता हूं OH, ठीक है ना। यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर को शो कर देता हूं, यहां पर भी ऑक्सीजन के लोन पेयर को शो कर देता हूं, और यहां पर लिख दिया O, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, आप लोगों का CH3 जुड़ गया। अब देखो सुनो, जैसे ये CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा, तो कार्बन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, आप लोगों की तीन बैलेंसी हो जाएगी, और कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो मेरे का ध्यान से, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर कार्बन की कितनी बैलेंसी हो रही है, तीन। कार्बन की वापस से चार बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये फॉर्मूला हम लोगों का किसका बन जाएगा, एस्टर का। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप होगा हम लोगों का, वो अगला स्टेप हम लोगों का ये होगा, ये आप लोगों का बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। तो ये बन गया हम लोगों का CH3, यहां पर लिख दिया O, और यहां पर लिख दिया मैंने OCH3। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये आप लोगों का H+ आप लोगों का बाहर निकल गया, तो ये हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट किसका मिल जाएगा, एस्टर का मिल जाएगा।
को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, अभी आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से इसकी मैकेनिज्म समझ आ जाएगी। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को ज्यादातर कीटोन शो करते हैं, इसलिए कीटोन वाली अभिक्रिया को बेस मानते हुए मैं इसकी मैकेनिज्म को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर मैंने कीटोन के कौन से सदस्य को ले लिया, एसीटोन को ले लिया, और एसीटोन की रिएक्शन मैंने किससे साथ करवा दी, परबेंजोइक एसिड के साथ करवा दी। जैसे ही मैं एसीटोन की रिएक्शन परबेंजोइक एसिड के साथ करवाई, तो परबेंजोइक एसिड का ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये एसीटोन के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है। मतलब परबेंजोइक एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है, ये एसीटोन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है, और ये ऑक्सीजन एटम किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये हाइड्रोजन एटम तो मैंने किससे जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन एटम से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आप लोगों का OH, और इस ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो देखो इस CH3 को तो मैंने कहां पर शो कर दिया, यहां पर शो कर दिया, और इस ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल गया। अब मैकेनिज्म के इस स्टेप में मैं अम्ल को डाल देता हूं, मतलब H प्लस को डाल देता हूं। जैसे ही मैं इस स्टेप के अंदर H प्लस को डालूंगा, ये H प्लस आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। अब देखो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम अपनी दो वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद उसके पास में कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। इस ऑक्सीजन एटम को देख लो आप लोग, इस ऑक्सीजन एटम को देख लो आप लोग, इस ऑक्सीजन एटम को देख लो। यहां पर ऑक्सीजन अपनी दो वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद उनके पास में कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। तो जैसे ये H+ इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन एटम अपने एक लोन पेयर को किसके लिए दे देगा, H+ के लिए दे देगा, और H+ को अपने आप से जोड़ लेगा। लेकिन इस कंडीशन में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई अगर H+ को ऑक्सीजन ने अपने आप से जोड़ लिया, तो ऑक्सीजन ने अपने इस लोन पेयर को इस H+ के लिए दे दिया और यहां पर बॉन्ड बन गया, तो यहां पर ऑक्सीजन की कितनी बैलेंसी हो गई, तीन बैलेंसी हो गई। और ऑक्सीजन की तीन बैलेंसी होते ही ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कभी भी अपने पास में प्लस चार्ज पसंद नहीं करते। इसीलिए ऑक्सीजन एटम अपने इस प्लस को खत्म, प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ लेगा। तो देखो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन एटम की तरफ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव तो खत्म हो गया, लेकिन इस कंडीशन में इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, तीन वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन की वापस से चार वैलेंसी करने के लिए इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड का ये मॉलिक्यूल आप लोगों का क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बेंजोइक एसिड का ये मॉलिक्यूल आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और इस ऑक्सीजन एटम से कौन जुड़ जाएगा, आप लोगों का CH3 जुड़ जाएगा। जैसे ये CH3 इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा, तो यहां पर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, तीन वैलेंसी हो जाएगी, और इस कार्बन एटम के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे बिल्कुल सही है ना, ये CH3 किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से। ये जो आप लोगों का CH3 है वो किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन एटम से जुड़ गया। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, तीन वैलेंसी हो गई, और कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन का पॉजिटिव हम लोगों को खत्म करना है, तो कार्बन के पॉजिटिव को हम किस तरीके से खत्म करें, तो देखो कार्बन के पॉजिटिव को हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, तो कार्बन की वापस से कितनी वैलेंसी हो जाएगी, चार वैलेंसी हो जाएगी, और ये जो H है ये प्लस के रूप में आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, एस्टर का। ठीक है ना, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है हम लोगों को किसका मिल जाएगा, एस्टर का मिल जाएगा, जिसका नाम है मेथिल एसीटेट। ठीक है ना, इसका नाम कौन है, मेथिल एसीटेट। ठीक है ना, इसका नाम कौन है, मेथिल एसीटेट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ आप लोग की इस बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया की ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ठीक है ना, मैंने आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को कंप्लीट करवा दिया, और उसके साथ उसकी मैकेनिज्म को भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंटों ने अब तक चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, और बैच में एड हो जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, धन्यवाद।